शहर के वार्ड संख्या 31 व 32 संजय नगर के निवासियों की समस्या का समाधान अब तक नहीं होने से खफा वार्डवासी मंगलवार को सिटी थाने पहुंच गए। यहां पर उन्होंने सिटी थाना अधिकारी से मुलाकात करते हुए अपनी समस्या समाधान हेतु एक शिकायत पत्र सीआई सुरेंद्र सिंह जोधा को सौंपा। सीआई जोधा को दिए गए शिकायत पत्र में वार्डवासियों ने बताया कि उनके वार्ड में पूर्व पार्षद प्रकाश परिहार अवैध रूप से सुअर पालन का काम करता है, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में गंदगी और बदबू फैली रहती है, जिसकी वजह से वार्डवासी कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं। साथ ही वार्डवासियों ने बताया कि पूर्व में वार्ड में अवैध रूप से संचालित हो रहे सुअर पालन के कार्य को बंद करवाने हेतु एसडीएम को भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाने से पूर्व पार्षद के हौसले बुलंद है और वह वार्डवासियों के घर तक पहुंचकर उन्हें अपशब्द कहते हुए धमकाता है, जिससे क्षेत्र का माहौल भी खराब हो गया है। वार्ड के निवासियों द्वारा दी गई शिकायत में बताया गया कि पूर्व पार्षद परिहार जिस जमीन पर सुअर पालन कर रहा है उस पर उसने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। वार्ड के निवासियों ने सीआई से क्षेत्र में अवैध रूप से किए जा रहे सुअर पालन कार्य को तुरंत बंद करवा कर क्षेत्र के निवासियों को राहत प्रदान करने की मांग की है। शिकायत देने वालों में तरुण सिंह, विवेक पवार, भरत वैष्णव, नवीन सिंह, कमला पवार, सोहनी बाई, तुलसी बाई, सोनू सेन, कमोद पवार, ममता पवार, नसीम आदि मौजूद रहे। रिपोर्ट लेके गए थे, उसके बावजूद भी हमारी गली में सुबह आके और गाली गलौज बोल के गया था कि सब पूरे मोहल्ले वाले की ऐसी तैसी कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, एक एक को मारूंगा सबको, और मैं जानवर पालता हूँ तो पालूंगा, इनकी वजह से नहीं छोड़ूंगा। पावन कर कल करा के गए थे हम पावन, इसके बावजूद बोल के गया था। आज गंदी गंदी गाली बोल के हुए एक एक जनी को निकाल के मारूंगा, मैं सारे मोहल्ले वाले को मारूंगा धमकी देकर, और मैं इनकी वजह से सुअर पालना थोड़ी बंद कर दूंगा।